जारी करो, वेटिंग लिस्ट जारी करो। और बीएसएससी जो तर्क दे रही है कि योग्य अभ्यर्थी नहीं मिले, तो मैं बता रहा हूं कि योग्य अभ्यर्थी आपको क्यों नहीं मिला। आपने योग्य अभ्यर्थी जो फिजिकल के लिए जिन्होंने पद प्राथमिकता पहली दी थी, दूसरी दी थी, उसको आपने फिजिकल के लिए बुलाया ही नहीं जनाब। हम लोग कोई आतंकवादी या उपद्रवी अपराधी नहीं है, हम हाथ जोड़ के न्याय के लिए आए हैं कि आप न्याय कर दीजिए कि 8 साल से ये हजारों अभ्यर्थी जो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, इनकी उम्र समाप्त हो गई, अब ये कहाँ जाएंगे। बिहार इंश्योर देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ मिराज मलिक। अभी हम मौजूद हैं बीएसएससी ऑफिस के बाहर, आप देख सकते हैं भारी तादाद में जो है छात्र यहां पहुंच चुके हैं। इनकी यही मांग है कि आठ वर्ष से जो मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना इन पर हुआ है, उसका सरकार हर्जाना दे और 1718 छात्र को है वो न्याय मिलना चाहिए, इनकी मांग यही है। लगातार ये लोग नारेबाजी कर रहे हैं, फिर बीएसएससी है कि लगातार ये लोग आंदोलन कर रहे हैं। आपको बता दें कि बीएसएससी के द्वारा जारी स्कोर कार्ड के अनुसार टाइपिंग क्वालिफाई है, फिर भी सीट अलॉट क्यों नहीं कर रहे हैं। इन सारे मुद्दों पे क्या कुछ कह रहे हैं छात्र नेता दिलीप, पहले आप इस वीडियो में देखें। तो हम लोग ये न्याय के लिए आए हैं, गुहार लगा रहे हैं बीएसएससी के अध्यक्ष महोदय से कि जितनी सीटें खाली है उन सीटों पे आप बहाली पूरा कीजिए, वेटिंग लिस्ट जारी कीजिए। 1778 अभ्यर्थी को जो आपने बाहर किया है, सबसे पहले इनके साथ न्याय कीजिए और जिनको फिजिकल का मौका आपने नहीं दिया फिजिकल का मौका दीजिए, टाइपिंग का मौका नहीं दिया टाइपिंग का मौका दीजिए, लेकिन इनके साथ न्याय कीजिए, वेटिंग लिस्ट जारी कीजिए। अगर जरूरत पड़ती है तो काउंसलिंग के लिए सेकंड लिस्ट भी जारी कीजिए, लेकिन 13120 पदों पर बहाली पूरी होनी चाहिए। बस हम हाथ जोड़ के यही विनती कर रहे हैं बीएसएससी के सचिव अध्यक्ष से भी और नीतीश कुमार जी से भी। हम लोग कोई आतंकवादी या उपद्रवी अपराधी नहीं है, हम हाथ जोड़ के न्याय के लिए आए हैं कि आप न्याय कर दीजिए कि 8 साल से ये हजारों अभ्यर्थी जो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, इनकी उम्र समाप्त हो गई, अब ये कहाँ जाएंगे। चाहे इनको बंदूक उठा लेना चाहिए, नौकरी मिली हुई नौकरी इनसे छीन रहे हैं आप। अगर आपको लगा कि ये अभ्यर्थी योग्य नहीं है, 53,000 अभ्यर्थियों को आपने ही पास किया था ना मेंस में, तो ये 53,000 अभ्यर्थी क्या आतंकवादी है क्या अपराधी है जो आपको योग्य अभ्यर्थी नहीं मिला? आपको योग्य अभ्यर्थी कैसे नहीं मिला? आपने योग्य अभ्यर्थियों को मौका ही नहीं दिया। योग्य अभ्यर्थियों को आप फिजिकल के लिए मौका दीजिए। आप मेरिट लिस्ट फिर जो पहले से निकला हुआ है वो तो ठीक है, लेकिन आप 1778 अभ्यर्थियों के साथ आप न्याय कीजिए और वेटिंग लिस्ट जारी कीजिए। जितनी सीटें खाली है सबको भरिए। दरोगा बहाली, सिपाही बहाली, बीपीएससी की बहाली होती है बिहार में, यूपीएससी की वैकेंसी आती है पूरे हिंदुस्तान में। जितने सीटों पे वैकेंसी आती है उतने सीटों का मेरिट लिस्ट निकलता है, लेकिन ये बीएसएससी ऐसा आयोग है जिसको योग्य अभ्यर्थी नहीं मिलता है ऐसा बोल रहे हैं। 53,000 स्टूडेंट्स में योग्य अभ्यर्थी नहीं है 13,120 पदों के लिए, 2,000 सीट अभी खाली है। जो बीएसएससी ने मेरिट जारी किया उसके अनुसार 2,000 सीट अभी खाली है। अब आप सोचिए कि 1778 अभ्यर्थी अभी मेरिट लिस्ट से बाहर कर दिए गए हैं, इनको आप फिजिकल का मौका दीजिए जिनको आपने मौका नहीं दिया। और बीएसएससी जो तर्क दे रही है कि योग्य अभ्यर्थी नहीं मिले, तो मैं बता रहा हूं कि योग्य अभ्यर्थी आपको क्यों नहीं मिला। आपने योग्य अभ्यर्थी जो फिजिकल के लिए जिन्होंने पद प्राथमिकता पहली दी थी, दूसरी दी थी, उसको आपने फिजिकल के लिए बुलाया ही नहीं जनाब, तो योग्य अभ्यर्थी कैसे मिलेगा? आपने बुलाया किसको? जिनका मार्क्स ज़्यादा था ऊपर से बुलाया गया, और जिनका मार्क्स ज़्यादा था उन सभी का फर्स्ट प्रायोरिटी क्या था पद प्राथमिकता में? राजस्व कर्मचारी, पंचायत सचिव, LDC, और उन्हीं लोगों को टाइपिंग के लिए बुलाया गया, उन्हीं लोगों को फिजिकल के लिए बुलाया गया, और वो उन लोगों का फाइनली सिलेक्शन भी हुआ। तो अब आप सोचिए कि जो लोग फर्स्ट या सेकंड प्राथमिकता जो दिए थे फिजिकल के लिए, उसको आपने मौका ही नहीं दिया। जब मौका नहीं दिया तो योग्य अभ्यर्थी कैसे मिलेंगे? तो पहले तो इन लोगों को फिजिकल का मौका दीजिए, अगर उसके बाद सीट बचती है वोटिंग लिस्ट जारी कीजिए, उसके बाद भी अगर सीट बचती है तो सेकंड काउंसलिंग करवाइए। आप क्यों नहीं करवा सकते हैं भाई? 1218 अभ्यर्थी को ये लोग पीटी का रिजल्ट, मेंस के रिजल्ट के बाद, माने कि सोचिए पीटी का रिजल्ट आ गया, मेंस के परीक्षा हो गई, मेंस का रिजल्ट आ गया, काउंसलिंग होना था उस समय, 1218 अभ्यर्थियों का पीटी का रिजल्ट दिया जाता है कि मानवीय भूल हो गई, लेकिन ये लोग 8 साल से लगे हुए हैं, तो इन लोगों को कैटेगरी अगर मिसमैच हो गया तो इन लोगों को सुधार का मौका नहीं दिया गया, लेकिन इनकी गलती मानवीय भूल हो जाती है। लेकिन ये लोग जो सिलेक्ट हो चुके हैं इनको बाहर कर दिया गया कि आपने गलत फॉर्म भरा था, इनको भी सुधार का मौका मिलना चाहिए। तो आज का जो आंदोलन हम लोग का है वो हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं हम बीएसएससी के सचिव और अध्यक्ष महोदय से और नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री जो बिहार के हैं तथा कथित सुशासन बाबू उनसे कि आप इन छात्रों के साथ न्याय कीजिए, इनको उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर मत कीजिए। हम लोग शांति प्रिय व्यक्ति हैं और हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं कि आप न्याय कीजिए। हम ये भी नहीं कह रहे हैं
कि आप गलत तरीके से बहाली पूरा कीजिए। हम ये नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि 13,120 पदों पे जो बहाली होनी थी आप उस पर पूरा कीजिए ना, फुल कीजिए। आपको जैसे करना है सही तरीके से उस पर बहाली पूरी कीजिए, लेकिन सीट खाली नहीं रहने दीजिए। अब आप बताइए, विधानसभा लोकसभा चुनाव होता है, सभी सीटों पे बहाली होती है। तो आपने साफ तौर पे सुना, छात्र नेता दिलीप का कहना है कि अगर सरकार बात नहीं मानेगी तो इन मजबूर हो जाएंगे उग्र आंदोलन करने पे, इनको उग्र आंदोलन ना करना, जो इनकी मांग है उसको जल्द से जल्द पूरी कीजिए। इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहें, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।